जिस तरह आप देख रहे हैं खास बात, खास बात में कुछ खास खबरें लेकर हाजिर हैं। सबसे पहली खबर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, आपको बता रहे हैं अब पैन कार्ड में पिता के नाम की जरूरत नहीं है। आयकर विभाग ने ऐसा फैसला किया है और ये नियम बनाया है कि जो बहुत सारे लोग हैं जो अपने पिता से अलग रहते हैं, अपनी माँ के साथ रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए आयकर विभाग ने नियम लागू कर दिया है कि पैन कार्ड में अब पिता के नाम की जरूरत नहीं है। ऐसी घोषणा की गई है आयकर विभाग की तरफ से और इसकी वजह से कुछ लोगों को काफी सुविधा भी हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिता के साथ अलग रहते हैं, अपनी माँ के साथ रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए काफी सुविधा हो जाएगी। ऐसे लोगों को देखते हुए ही आयकर विभाग ने इस तरह का कदम उठाया है। आइए इसके बाद बात करेंगे हजरत मोहम्मद साहब की जयंती की। हजरत मोहम्मद साहब की जयंती पर आज देश भर में जुलूस निकाले गए, कई तरह के कार्यक्रम हुए। ईद उल मिलादुल नबी के नाम से इसे जाना जाता है। आइए दिखाते हैं ये रिपोर्ट आपको। बुधवार को आसनसोल शिल्पांचल के विभिन्न हिस्सों में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन के मौके पर रैलियां निकाली गईं। हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे। इसके अलावा कुल्टी के विभिन्न इलाकों में भी रैलियां निकली। विदित हो कि पश्चिम सऊदी अरब के मक्का में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। खास बात आसनसोल। बंगाल के कई हिस्सों में हजरत मोहम्मद साहब की जयंती के मौके पर जुलूस निकाला गया और काफी तादाद में लोग इकट्ठे हुए। बंगाल के जामुड़िया इलाके से भी हमारे पास खबर आ रही है, जामुड़िया इलाके में भी एक जुलूस निकाला गया और इस जुलूस में काफी संख्या में लोग उपस्थित हुए। पश्चिम बंगाल के जामुड़िया थाना अंतर्गत कुनस्तोड़िया कोलेरी के मस्जिद कमेटी द्वारा एक विशाल जुलूस मोहम्मदी निकाला गया जिसमें तकरीबन हजार की संख्या में श्रद्धालु गण उपस्थित रहे। इस खास मौके पर पश्चिम बर्धमान जिले के सुप्रसिद्ध नात गायक आफताब रजा पैकर को विशेष रूप से नात गाने के लिए बुलाया गया था। इस मौके पर मस्जिद कमेटी के इमाम जनाब बहानुद्दीन साहब से खास बातचीत के दौरान उन्होंने आज के पाक दिन के बारे में लोगों को बताया। आज बड़ा अव्वल है जी, जो हमने पैदाइश करी जो हम आज के दिन हमारे तशरीफ लाए उनकी आमद के लिए खुशियाँ मना रहे। मित्रों, अभी हमने आपको दिखाया कि बंगाल के बहुत सारे इलाकों में जुलूस निकाला गया मोहम्मद साहब की जयंती के मौके पर और जुलूस के दौरान काफी तादाद में लोग इसमें शामिल हुए और मोहम्मद साहब को याद किया। इसके बाद हम आपको लिए चलेंगे आसनसोल शहर की तरफ ही। यहाँ पर गुरु नानक जयंती के मौके पर प्रभात फेरी निकाली गई। 23 नवम्बर को गुरु नानक साहब की जयंती मनाई जानी है और जयंती काफी धूमधाम से मनेगी इस बार भी और इसे लेकर एक प्रभात फेरी निकाली गई जिसमें काफी बुधवार को आसनसोल के गोधुली गुरुद्वारे से सिखों की तरफ से एक विशाल रैली निकाली गई। रैली में बड़ी तादाद में सिख धर्म के अनुयायियों के अलावा धर्म गुरु भी उपस्थित थे। रैली इस्माइल पे जाके खत्म हुई। दो दिन तक यहाँ गुरु ग्रंथ साहिब को रखा जाएगा। दो दिन बाद गोधरी गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब को वापस लाया जाएगा। खास बात आसनसोल। मित्रों, अभी हमने आपको दिखाया कि 23 नवंबर को गुरु नानक देव की जयंती के उपलक्ष्य में प्रभात फेरी निकाली गई। इसकी तैयारी की जा रही काफी जोर शोर से और इस प्रभात फेरी में काफी तादाद में सिख समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। इसके बाद हमारे पास एक खबर आ रही है कोची से, एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कोची से। कोची के जेल में बंद 42 वर्षीय बेंदी पेरियर
एक व्यक्ति हैं और जिन पर आरोप था कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ रेप किया है, दुष्कर्म किया है और इसी आरोप में वह सजा काट रहे हैं। आज ये खबर मिली है कि उन्होंने अपना गुप्तांग काट लिया है और अपने आप को सजा देने की उन्होंने कोशिश की। गुप्तांग काट कर उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन अस्पताल ले जाने पर भी उनकी हालत नहीं सुधरी और काफी सीरियस है, वो काफी गंभीर है, ऐसी खबर आ रही है कोची से। और इसके बाद हमारे पास एक और खबर है, क्योंकि मोदी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार ने नोटबंदी को लेकर काफी सकारात्मकता दिखाई है और उनका ये बार बार कहना है, जो प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका ये कहना है कि नोटबंदी की वजह से किसानों की आय भी बढ़ी है और लोगों को फायदा भी हुआ है। लेकिन उनके ही मंत्रालय ने आज इसकी पोल खोल कर रख दी और मंत्रालय का कहना है कि नोटबंदी के बाद किसानों की स्थिति काफी खराब हो गई और ऐसा कृषि मंत्रालय का ये दावा है। कृषि मंत्रालय की इस रिपोर्ट के बाद हो सकता है नरेंद्र मोदी को काफी मुश्किलें भी झेलनी पड़ी, लेकिन आपको बता दूं कि उनके ही सरकार के कृषि मंत्रालय ने यह रिपोर्ट दी है कि नोटबंदी के बाद जो पैसों की किल्लत हुई जिससे किसानों को काफी परेशानी हुई और किसानों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा और आज भी किसान परेशानी का सामना करना पड़ रहे हैं कि किसान आज भी परेशान है काफी, ऐसी रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के आने के बाद हो सकता है मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ जाए। आइए खबरों का सिलसिला हम यहीं करेंगे खत्म, लेकिन इस वादे के साथ कि आपके साथ मिले रहेंगे, आपके साथ बने रहेंगे और आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। आप भी हमारे साथ बने रहें और हम तक खबरें पहुंचाएं ताकि हम हर खबर लोगों तक पहुंचाते रहें। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। हमारे 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 Facebook पेज को भी आप लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।